හයි අපි ළඟදීම ආයරට යනවා ඉතින් ටුවර් එකක් ඉතින් අපි මෙදා පාර යන්නේ මැලේසියා ගිහිල්ලා මැලේසියා ඉඳන් අපි තායිලන්ඩ් වල තව අයිලන්ඩ්ස් දෙකකට යනවා ගියන ඉතින් අයිලන්ඩ් එකකට මෙදා පාර යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඉතින් ඔක්කොම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මුලින්ම මම හිතුවා ඔලොත් එක්ක මැලේසියා वीसा गाने को वीडियो को शेयर करनी मतमा अभी एजेंसी अर्हने वीसा अप्लाई करे अभी मतम वीसा अप्लाई करते ऑनलाइन तीन वीसा अप्लाई कर मलेशिया वाले थिंट मैं पेन अना स्टेप बै स्टेप मलेशियन वीसा अप्लाई करके हरम ले प्रोसेस एजेंसी अवश्य मैं है थिंग मुनाद वाश डॉक्यूमेंट्स मुनादे कुहमद अप्लाई करके मम्मी वीडियो के पेन अनाटे हरिना बहुमत स्टेप बै स्टेप वीसा अप्लाई करें हाई मैं तीन चेकलिस्ट नीट तम अवश्यमें फस्ट पेज पासपोर्टे इट पास फोटोस पास फ्लाइट टिकट्स होटल बुकिंग्स थ्री मंथ बैंक स्टेटमेंट वीसा रिक्वेस्ट लेटर एम्प्लॉयमेंट लेटर एडिशनल बर्थ सर्टिफिकेट मेडिकल लाइन वाने मैरिज सर्टिफिकेट मेकट अप्लाई करना पुलवा मे डीटेल्स ओनिमे हाई मैं तीन साइट ओरिजिनल साइट अनिवार्य मैं डिस्क्रिप्शन आना साइट लिंक मैं तम रजिस्टर विमे मैं अलग अकाउंट क्रिएट करना मैं मैं न्यू अप्लाई क्लिक कर लूल हाई मैं वो पासपोर्ट डीटेल्स तम ऐड करें वो गिवन नेम पासपोर्ट इतने सरनेम इट पास ऐड करोने वो नेशनलिटी इट पास ऐड करोने पासपोर्ट नंबर इट पास ऐड करोने जेंडर फीमेल मेल ऐड करोने इट पास डेट ऑफ बर्थ मेट पासपोर्ट तीन तम हम डीटेल अडोने त्वर दिन बेह इट पास करंट लोकल एड्रेस बस उलोंगे एड्रेस मिथन ऐड करो दैनिक एड्रेस पोस्टल कोड एड्रेस सिटी का कंट्री का उलोंगे मेरे एक्टिव फोन नंबर को फोन इगलोंगे मेसेज का इट पास एट फिल करें इट पास मिथन लॉगिन इनफॉर्मेशन उलोंगे दें पाविचित ईमेल पासवर्ड देंगे मेतन ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट करना हर मेतन मे कैप्चर का इट पास रजिस्टर तम दिए आप रजिस्टर हर मे दिन डैशबोर्ड मेतन तम अप्लाई कर वीसा वर्ल्ट इट पास ईमेल इतने वेरीफाई कर अकाउंट मेतन क्लिक कर वेरीफाई कर वेरीफाई कर ले मैं तम अप्लाई कर मैं गियर बस मैं मेटिकेन हॉलीडेस एट मैं दालती ऐड कर लाइट बस मैं प्रोसेस करिए हर इट पास मैं यहाँ उलोंगे यहाँ पर्पस मुख्य आप यहाँ टूरिस्ट के दिएट लेकिन सब टूरिस्ट तम क्लिक कर मैं प्रोसेस कर ला हर मेतन आवट पास मेतन तीन सैक्न देखा एक पासपोर्ट कापी ऐड करना फोटो कापी ऐड करना मेतन मे रईट दीन तम पास कापी अप्लाई करें पास क्लिक कर पास मेतन पास कापी जेपीजी का मैं पीडीएफ मंग कन्वर्ट करना गूगल उन्नतर सैक्स तीन पीडीएफ जेपीजी वाले कन्वर्ट करना मम्मी कन्वर्ट करना वांगे मेरे पास इतनी आई सिलेक्ट करना आई सिलेक्ट कर दी वे पासपोर्ट कॉपी ऐड कर देना अने मेघलोंगे कैरेक्टर्स सिंबल्स बेहत अभी नमकिन तम रीनेम करोने डॉक्यूमेंट्स उको मम्मी तेना पासपोर्ट के टाइप कर इट पास ऐड कर हर दे पास मैं शो करना है मैं तम वेटर आगे हर मैं तीन फोटो अप्लाई करोनी दोटो दागा तीन मैं दीट पास पल्लेट आना पासपोर्ट के तीन डीटेल्स मैं ऐड कर आई सर ओलोंगे सर निम्क इतकोटे गिवन नेम
ඊට පස්සේ date of birth එක ඊට පස්සේ nationality එක phone number එක ඊට පස්සේ gender එක email එක ඊට පස්සේ මෙතන visa type එක ඔගොල්ලෝ යන්නේ මොනාටද කියලා add කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ purpose එක tour එකක්ද student කෙනෙක්ද ඒක ඔගොල්ලෝගේ යන මේ කනුව තමයි ඊපස්සේ මෙතනදී passport type international passport select කරන්න ඕනේ ඊපස්සේ මෙතනදී ඔගොල්ලෝගේ passport number එක type කරන්න ඊපස්සේ passport issue කරපු country එක select කරන්න ඕනේ ඊටපස්සේ passport issue කරපු date එකයි expire date එකයි මෙතනදී select කරන්න ඕනේ යන purpose එකයි ඔගොල්ලෝගේ visa type එක ඒක ඔගොල්ලෝගේ යන විදිය අනුව තමයි මෙතන මේ දෙක නම් select කරන්න ඕනේ වෙන්නේ හරි मैं तो पासपोर्ट इश्यू डेट का एक्सपायर डेट का मैं सिलेक्ट करने दी है हाँ मैं तो ओवरलो एड्रेस एड्रेस इन मलेशिया के ना तो दान होटल लेके नाम है घर गिदर का गिहिल इन्ना आगे एड्रेस दान होने नैतोल अपार्टमेंट हरी हॉटल हरी ना तेनाल बुकिंग दापे अड्रस अड्रस संपूर्ण मेतन टाइप करोने वीट पास मेतन तीन करंट अड्रस सर टाइप करना अड्रस दाने बस मेतन फ्लाइट टिकट्स मूल्य सिलेक्ट करना तीन बस फ्लाइट टिकट्स मूल्य सिलेक्ट करना पीडीएफ फॉर्मेट पीडीएफ मेतन दी बस हॉटल कंफर्मेशन ऐड करना मेतन दी इट पास थ्री मंथ्स बैंक स्टेटमेंट मेतन ऐड कर हर पास कवर लेटर एक वीसा रिक्वेस्ट लेटर एक कंपनी लेटर एक रिक्वेस्ट लेटर एक देखा मेतन तम ऐड कर देखा मर्च कर तम ऐड कर टीसरा तरगा वीडियो के पास मिथंटे यदम ऐड कर अदर डॉक्युमेंट मम कोई गलती बयोडेट मैरेज सर्टिफिकेट सिंगल इंग्लिश दिखम ट्रांसलेट कर इकट्ठा मैच कर मिथंटे अटैच कर इट पास मिथन कंफर्म कर मिथन कंडीशन ओल पोट की बल इट पास अग्री क्लिक करना तीन मिथन हरि मिथन आर्ट पास मिथन दीर तीन एग्जापल का वो फोटो बैलेंस कल हदागर मिथन एग्जापल दीर तीन तेवीर मे तीन फोटो इन विधीट गांट बैलेंस कल हदागनोने दिपत्ते बैलेंस कर गांट दपन पत्ते पंपेत हर एट बैलेंस विधीट फोटो एडिट कर हरि मंग सेट करेंगे तीन तब पुट कर बैलेंस नहीं है दें हर दिन बैलेंस तीन सांपल के वगेन तीन बस आने कंफर्म कर हर फोटो मैं एक्सेप्ट कर लीनवा फोटो एक्सेप्ट कर लगेमें पल हाड़ा मैं तीन पासपोर्ट मे विधि रईट तीन तीन अद्ले बल इसे प्रोसेस कर हर मेतन आप एंट कर हेम डीटेल लेकिन मेतन दिन तीयनवा उगल आ सर डबल चेक करें केवल हेम डीटेल लेकिन हरदे स्पेलिंग हर दिखे मेतन तीन आप एड कर डॉक्यूमेंट्स इसे उगल पे कर मेतड कदाल कंफर्म कर पे कर हर मेतन रिंगिट इकसी विस्साई सतानूह चार्ज कर मटना आठ दस गिया से पेकर आड़ पास मे वगे तम एने मेतन प्रोसेसिंग के बटीलवा तो वो दवा सदर की तरह बेलवर पास अपना वीस अप्रूवल तिब्बा इट पास मे तीन मेतन प्रोसेसिंग वो दवा तुनकिन तर आई सर लगे बल मेतन हर दें मेतन अप्रूवल मम्मी दवा सदर की बेलवा इट पास वो मेतन प्रिंट आउट करना मे को मे तीन मेतन लोडे हर मेक तम को वो मेक प्रिंट आउट करना रटटूल इमिग्रेशन मेक दिन्नों तीवे पोड़ प्रोसेस तीय
හරි ඔය ටික තමයි ඉතින් තියෙන වීසා එක ඇප්ලයි කරද්දී හරිම ලේසි මා ලොකු දෙයක් නැහැ ඉතින් ඔය ටික හරිය ડોකියුමන්ට්ස් ටික සෙට් කරගත්තා නම් ඕලන්ට ෆිල් කරගෙන යන්න තමයි තියෙන පොඩි ස්ටෙප්ස් ටිකක් තියෙන්නේ ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක පැහැදිලි ඇති කියලා මම ආපු කරගෙන ආපු විදිය ඉතින් ඔයාලට මම ටිප්ස් ටික දෙන්න ප්‍රොබ්ලම් එකක් තිබ්බනේ ෆ්ලයිට් බුකින්ග්ස් ඇඩ් කරන්නයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් ඇඩ් කරන්නයි එතනදී ડોකියුමන්ට්ස් ඔයගොල්ලෝ සබ්මිට් කරද්දී अभी हितमको बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट की पेजेस हतर तीन इतोटोरानी एक मैच करें अब तरह मैच कर सैट्स तीन गूगल गिया गूगल गील पीडीएफ हाई तीन हाई एक पीडीएफ गोनी सबमिट कर गुड़ापार डॉक्यूमेंट्स हाई सबमिट कर एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට ඔයගොල්ලෝ merge කරලා එක PDF හයක් හතක් තියෙනවනේ ඔක්කොම එකකට merge කරලා තමයි submit කරන්න ඕනේ. කියන්නේ bank statement එක කොලම් එකට bank statement එක. අපි හිතමු hotel වලට ඔයගොල්ලෝ hotel දෙකක විතර ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ hotel දෙකේම confirmation PDF දෙක එකකට merge කරලා තමයි submit කරන්න ඕනේ. ඔය flight tickets ගත්තත් එහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ යන ticket එකයි එන ticket එකයි දෙකම එකකට එක PDF එකකට merge කරලා තමයි apply කරන්න ඕනේ. अंतम फॉर्मेट पीडीएफ तमें डॉक्यूमेंट सबमिट करें पीडीएफ तम अन्नी और पासपोर्ट की मम्मी अप्लाई कर उपयोगी जेपीजी अक्की अप्लाई करानी तुक्मेटिक अप्लाई पीडीएफ अक्की सबमिट करानी फोटो एक स्टूडियो के अरगना इट पास व्हाट्सएप अखर ईमेल अखर दागना इट पास एक अभी अप्लाई करानी ඊළඟ තමයි වීසා ෆී එක අපිට නම් 8175ක් තමයි ගියේ. ඒතොර ඒ රේට් එක ඒ දවස්වල තිබ්බ රේට් එකත් එක්ක තමයි ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එහෙම ඉහි. ඊට පස්සේ වීසා කැප්චර් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වීසා ෆෝම් එක print out එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ රට යන දවසට වීසා ඉමිග්‍රේෂන් එකට තමයි ඒක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ හොටෙල් රෙකමෙන්ඩේෂන් උයි ඊට පස්සේ ෆ්ලයිට් ටිකට්ස් උයි ඔය වීසා ෆෝම් එකයි සබ්මිට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ ෆැමිලි එකක් යනවා කියලා වයිෆ් උයි බබයි කියලා. ඒතොර ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රියේට් කරපු එකම account එකේ अप्लाई करने को दिने तुम दिन ठीक है किसी प्रश्न अन्या ग्रूप पैक ग्रूप एक अकाउंट अप्लाई करने को किसी प्रश्न अनाटे तन तन अकाउंट क्रिएट करने अवश्य बस रिक्वेस्ट लेटर है रिक्वेस्ट लेटर है तुलाोल अभी मेहमो लेटर लियान लेटर लियान मम्म मेहिम मेहिम फैमिली का तेना मम्म वाइफ मेहिम आनावा अभी आप गिहिल मे मे तेंग अनता इट पास हॉटल अभी मे हॉटल नवती इतने आप फ्लैट मेक आप रिटर्न फ्लैट मेक थिंग अभी मेहिम आनावा की तम रिक्वेस्ट लेटर मे रिक्वेस्ट लेटर सबमिट कर नोने ඉතින් හරියම ලේසි process එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණම මම කරපු ඉදී මොනහරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට comment එකක් දාන්න බලන්න. එහෙනම් අපේ vlogs ටික දිගටම බලාගෙන ඉන්න අපි ඉස්සරහට travel vlogs ටිකක් එනවා. එහෙනම් දිගටම ඉන්න අපිත් එක්ක. එහෙනම් thanks for watching.